वर्ष 2020-2021 में कोरोना काल के दौरान स्कूलों में नियमित पढ़ाई नहीं हो सकी। ऑनलाइन स्कूल की पढ़ाई की एक व्यवस्था की गई थी, परंतु मिशनरी स्कूल के द्वारा सभी विद्यार्थी छात्र छात्राओं से आवश्यक रूप से ऑनलाइन क्लास के लिए नहीं कहा गया और न ही किसी माध्यम से नाम ऑनलाइन क्लास करने की सूचना दी गई। नगर में कई छात्र छात्राएं गरीब परिवार हैं जो बड़ी मुश्किल से मिशनरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधक द्वारा अनिवार्य रूप से ऑनलाइन क्लास में सम्मिलित वाले दबाव बनाए जा रहे थे और धमकी दी जा रही थी। ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करने की स्थिति में बच्चों को परिणाम बिगाड़ दिए जाएंगे। मोहन सक्सेना जी, आज हम अभिभाषक गण एवं पालक संघ के लोगों ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ शिकायत की है। उस स्कूल में बच्चों को परेशान किया जा रहा है, पालकों को सही जबरदस्ती फीस वसूल की जा रही है। क्या है कि मानवता के नाते कहीं ना कहीं यदि हम भी कोविड-19 से परेशान है तो वो भी उनके ऊपर भी असर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम उनसे कुछ फीस कम करके, सरकार ने तो बोल दिया कि फुल फीस लेना, लेकिन हमें पूरी फीस नहीं लेना है। हम हमारे आधार पर जैसे हमने तय किया है कि नर्सरी LKG UKG में 1500 रुपये लेना है, 2000 रुपये लेना है, 2000 रुपये लेना है, और फर्स्ट टू लेकर फोर्थ लेकर 2500 लेना है, और फिफ्थ से लेकर के 8th क्लास तक हमको सभी 3000 रुपये फीस लेना है, ताकि फीस में एकरूपता बनी। सबसे महत्वपूर्ण कि कोरोना महामारी के दौरान सभी अशासकीय विद्यालयों की आर्थिक स्थिति जैसे कमज़ोर है, वैसे ही उसी महामारी से पालक भी कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित है। तो अशासकीय विद्यालय संगठन नरसिंहगढ़ कार्यकारिणी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त विद्यालय शासकीय विद्यालय उसका पालन भी करेंगे कि नर्सरी LKG UKG कक्षा की फीस जो है, हमारे द्वारा शासन ने तो बोला है कि आप पूरी शिक्षण शुल्क ले सकते हैं, लेकिन हम उससे भी एक कदम आगे बढ़कर शुल्क को और कम किया। हमने नर्सरी LKG UKG का हम 2000 रुपये कक्षा पहली से चौथी तक 2500 रुपये और कक्षा 5 से 8 तक 3000 रुपये लेंगे, ताकि हमारी भी जो आर्थिक स्थिति है वो कुछ उबरने में सहायता प्रदान करें और पालक के ऊपर भी इसका बोझ ना पड़े। धन्यवाद। हैं और जितने भी अभिभाषक हैं यहाँ के, ये सब आज इसलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि नरसिंहगढ़ में जो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है बाराद्वारी पर, वहाँ नरसिंहगढ़ के बहुत विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। तो वहाँ के जो प्रशासन है, वहाँ के प्रिंसिपल हैं और जो स्टाफ हैं, वो अनावश्यक रूप से दबाव डाल रहे हैं बच्चों पर कि आप जो है ये पूरी फीस जमा कीजिए, नहीं तो हम आपके रिजल्ट रोक लेंगे। तो इसके लिए तो प्रशासन ने कुछ निर्देश निकाले थे ना? प्रशासन ने इसके लिए अभी ज़्यादा निर्देश नहीं दिए हैं। इसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, वहाँ से निर्देश हुए हैं कि आप ट्यूशन फीस के अलावा कुछ नहीं ले सकते। इसमें एक बात और बहुत विशेष उल्लेखनीय है कि हमारे राजगढ़ देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।